हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रद्धा हियर एंड यू आर वाचिंग हेल्दी ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कुछ ना कुछ ओकेजन चलता ही रहता है, कहीं इस पार्टी में जाना, कहीं बर्थडे पार्टी में जाना, कहीं मैरिज में जाना, कहीं एंगेजमेंट में जाना, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और अच्छा दिखना कौन नहीं चाहता, सब अच्छा दिखना चाहते हैं, अपनी स्किन पे वाइटनिंग, लाइटनिंग, ग्लोइंग इफेक्ट हर कोई चाहता है। हर हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम ब्लीच करवा पाए। मैं तो अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं नॉर्मली ब्लीच बहुत रेयर करवाती हूं, मतलब साल दो साल भी निकल जाते हैं जब मैं ब्लीच करवाती हूं। तो नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। नेचुरल चीज़ें थोड़े सा समय ज़रूर लेती हैं, जैसे मैं हमेशा बोलती आती हूँ, बट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको चूज़ करना है ना, तो आप हमेशा नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करिए। वो आपको लंबे समय तक आपको सपोर्ट करती है, आपके साथ आपको साथ देती है, एजिंग से बचाती है। तो आज मैं आपके सामने एक होममेड ब्लीच लेके आई हूँ, जिसको कि आप वीक में एक बार कर सकते हैं। अब चिंता नहीं है, इस ब्लीच को यूज़ करिए और आपको चाहे किसी भी पार्टी में जाना हो, आप कभी भी डल नहीं दिखने वाले। अगर आप बाहर पार्लर में ब्लीच करवाते हैं तो बहुत से बहुत ज़्यादा आप मंथ में एक बार करवा सकते हैं। वैसे तो ब्लीच नहीं करवाना चाहिए, बट फिर भी अगर बात करें तो मंथ में एक बार करवा सकते हैं। तो पर ये जो मैं आपको होममेड ब्लीच बताने वाली हूँ, ये आप वीक में एक बार कर सकते हैं और इससे आपके स्किन पे ग्लो तो आएगा ही, ये गारंटी 100% ग्लो आएगा। साथ में आपकी स्किन जो है, जो आपको लगता है कि डल हो चुकी है, वो भी नहीं रहेगी। साथ में वाइटनिंग इफेक्ट भी दिखेगा, पिगमेंटेशन से बचाएगी। जिन लोगों को फ्रिकल्स की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स हैं, ये सारी चीज़ों से, सारी परेशानियों से वो दूर कर देगी। तो चलिए देर नहीं करते, फट से देख लेते हैं ये होममेड ब्लीच कैसे बनाई जाती है। इस ब्लीच के लिए सबसे पहले मैं एक पोटैटो ले रही हूँ, मतलब कि एक आलू लेना है। थोड़ा सा डिफरेंट तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे इसको आप पील कर लीजिए, छील लीजिए, और इसको छीलने के बाद ग्राइंडर में आप पीसेस करके डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और इसको आप अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लीजिए, जिससे कि ये पेस्ट इसका बन जाए। अब इसके बाद क्या करना है, आपको स्ट्रेन करना है, छान लीजिए इससे इसको आप, जिससे कि इसका जो भी पोटैटो जूस होगा वो नीचे निकल आएगा, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और इसको अच्छे से छानने के बाद 5 मिनट के लिए आप इसको एक सेपरेट जगह पे रख दीजिए, स्टेशनरी छूइएगा मत, ऐसे ही रख दीजिए। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसका जो ऊपर का पानी है ना, जैसे मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ वैसे आप अलग कर लीजिए। और इसको अलग करने के बाद आप देखेंगे कि नीचे ये एक गाढ़ा से फॉर्म में आपको स्टार्च दिखाई देगा। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये स्टार्च, ठीक है? तो इस स्टार्च का हमको मेन यूज़ करना है। आप पोटैटो जूस को फेंकिएगा मत, इसको भी अलग रख लीजिए। अगर हमको यूज़ करना रहेगा तो हम इसको भी यूज़ करेंगे, अदरवाइज ये स्टार्च में ही काम हो जाने वाला है। यहाँ पर हम एक कंटेनर में मुल्तानी मिट्टी या काओलिन क्ले, मैं आपको दो ऑप्शंस दे रही हूँ कि आप मुल्तानी मिट्टी चाहें तो मुल्तानी मिट्टी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप काओलिन क्ले आपके पास है अवेलेबल तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे काओलिन क्ले का यूज़ करूँगी। काओलिन क्ले के जो बेनिफिट्स हैं वो ऑलरेडी उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ और उसको मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके उस वीडियो को विजिट करिए और उसके बेनिफिट्स, और वहाँ पर मैंने 3 फेस मास्क भी बताए थे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैं काओलिन क्ले का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो हमारी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है। 1 से 1.5 चम्मच आप अपने फेस के अकॉर्डिंग आप 1 से 1.5 चम्मच काओलिन क्ले या मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैं लेमन ले रही हूँ। लेमन मतलब कि आपको लगभग 10-15 ड्रॉप्स आप लेमन ले लीजिए। लेमन जो होता है ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत अच्छे, बहुत हाई कंसंट्रेशन में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन के डार्क स्पॉट्स, फ्रेकल्स, हाइपर पिगमेंटेशन, साथ में हमारी स्किन के टोन को लाइट करता है।
विटामिन सी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होने की वजह से ये मेलन के प्रोडक्शन को भी कम करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे लाइटनिंग इफेक्ट आता है। जिन लोगों की डल स्किन है उनके लिए खास तौर से विटामिन सी मतलब लेमन बहुत अच्छा काम करता है, यहाँ पर इसीलिए मैंने लेमन का यूज किया है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो हमने पोटैटो का स्टार्च निकाला था, ठीक है, स्टार्च बहुत ही हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, तो ये स्टार्च जितना भी निकला था उसको पूरा का पूरा आप इसमें डाल दीजिए। पोटैटो, यहाँ पे हमने जो स्टार्च यूज किया है, स्टार्च भी पिगमेंटेशन की जिन लोगों को परेशानी है, डार्क स्पॉट्स और हाइपर पिगमेंटेशन, इनके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, उसको लाइट करता है, साथ में ये नेचुरल ग्लो लेके आता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है और लाइटनिंग इफेक्ट लेके आता है। इसीलिए मैं यहाँ पे पोटैटो का जूस या स्टार्च का यूज कर रही हूँ। आप यहाँ स्टार्च का यूज करिएगा, अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी सही नहीं लगे या आपको बहुत ज्यादा गाढ़ा लग रहा है तब जाके आप इसमें पोटैटो जूस ऐड कर सकते हैं, बट अभी हमको यहाँ पर कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ हमने स्टार्च ऐड करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे हम आते हैं, हमको हनी चाहिए। आप अंदाजे से आधा चम्मच के करीब हनी डाल दीजिए, बस इतनी चीजें हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करिए और अब देख लीजिए इसको लगाने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। यहाँ पे ये आपका अच्छे से पेस्ट बन जाएगा। अब आपको इसको अपने स्किन पे, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके अपने फेस पे और नेक पे आपको अप्लाई करना है। एक पतली सी लेयर आपको लगानी है, ठीक है। फर्स्ट आपको सिंपल पतली सी लेयर लगानी है और इसको ड्राई होने दीजिए। जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा तब आपको अपने इसी पे ही दोबारा नेक्स्ट लेयर लगानी है। मतलब कि आप एक बार लगा चुके हैं, आपको दोबारा आपके पास जो मास्क बचा था उसको दोबारा आपको अपने फेस पे इसी के ऊपर लगाना है। इसको अच्छे से लगा लीजिए सारी जगह। अब आप देखेंगे कि ये इस फेस पे एक डबल लेयर बन चुकी है और काफी थिक लगेगा आपको। बस आप इसको ड्राई होने दीजिए, मतलब कि 15 से 20 मिनट आराम से आपको इसमें लग जाएंगे और ड्राई हो जाने के बाद उसके बाद आप इसको हल्के हाथ से अपने मसाज करते हुए ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप अपनी स्किन पे ग्लो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई कट पेस्ट नहीं किया है, डायरेक्टली मैं आपको शो कर रही हूँ और इस तरीके से आप ग्लो देख सकते हैं और आप अपनी स्किन में पहले ही बार में आप अपनी स्किन टोन में चेंजेस देख सकते हैं। आप उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लीजिए और सनस्क्रीन लोशन लगा लीजिए। तो इस तरीके से आप इसको वीक में एक बार कर सकते हैं। मार्केट के ब्लीच को मत यूज करिए, आपकी स्किन को काफी खराब कर देता है। घर के नेचुरल चीजों पे ज्यादा भरोसा करिए और इस तरीके से आप ब्लीच कर सकते हैं। तो ये आज जो मैंने आपको होममेड ब्लीच के बारे में बताया, यूज करिए और रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। कंटिन्यू इसको करिए, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट की ब्लीच के लिए, केमिकल ब्लीच करने की। तो ये था मेरा आज का वीडियो, होप करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जो साइड में घंटी है उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा। आने वाले और भी जो अच्छे वीडियोस हैं इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स पे वो आपको समय से मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।